हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी विद बजट। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। और आज के इस वीडियो में मैं लेके आई हूँ कुछ विंटर स्पेशल। सो मैं लेकर आई हूँ कुछ, मेरे पास है नाइट क्रीम्स। सो मेरे पास ज़्यादा नाइट क्रीम्स नहीं है, लेकिन जितनी है मैं उन नाइट क्रीम्स का रिव्यू आप लोगों के साथ कर चुकी हूँ या फिर करने वाली हूँ उनका रिव्यू। लेकिन मैंने सोचा कि आप लोगों को एक बहुत अच्छी हेल्प मिल जाएगी इस वीडियो के थ्रू कि ऑयली स्किन वालों को कौन सी नाइट क्रीम की ज़रूरत पड़ सकती है। सो प्लीज़ मेरी वीडियो अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। सो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सो सबसे पहले यहाँ जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ नाइट क्रीम, वो है वाओ की एंटी एजिंग नाइट क्रीम है। ये हर एक स्किन टाइप के लिए है, चाहे ऑयली हो, चाहे कॉम्बिनेशन हो, चाहे ड्राई स्किन हो, चाहे नॉर्मल स्किन हो, सभी स्किन टाइप वालों के लिए बेस्ट दी बेस्ट क्रीम है। मुझे बहुत पसंद है। और ये सल्फेट फ्री है, पैराबेन फ्री है और SLS फ्री है। सो इसमें ऐसा कोई भी केमिकल नहीं है जिसकी वजह से आपकी स्किन को हार्म हो या आपकी स्किन पे पिंपल वगैरह या कुछ भी इरिटेशन हो। तो ये ऐसी ये नाइट क्रीम तो है ही, साथ के साथ ये एक एंटी एजिंग नाइट क्रीम है। मतलब इसको वो लोग जरूर यूज़ करें जिनकी एज 27 प्लस है, बिकॉज 27 या 26 के अप्रॉक्सीमेट हम लोगों को एंटी एजिंग नाइट क्रीम्स या एंटी एजिंग क्रीम्स, डे क्रीम्स लगाने स्टार्ट कर देनी चाहिए। सो सबसे पहली जो मेरी चॉइस होती है वो है वाओ की एंटी एजिंग नाइट क्रीम। ये सभी स्किन टाइप के लिए है। इसकी जो प्राइस है 699 है। ये अमेजन पर आपको 649 की अप्रॉक्सीमेट मिल जाती है और 50 ml की क्वांटिटी है इसकी। और इसकी जो शेल्फ लाइफ होती है वो 3 ईयर्स होती है, 2018 से 2020 तक है, जून। सो ये मेरी फर्स्ट क्रीम है। नेक्स्ट यहाँ मैं बात करूंगी बायोटिक की बायो व्हीट जर्म के बारे में। ये जो है यूथफुल नरिशिंग नाइट क्रीम है। और इसकी जो क्वांटिटी है, सॉरी, जो इसकी जो प्राइस है वो 230 rupees है। किसी भी नायका पर या अमेजन पर और पर्पल पर आपको ये मिल जाती है विद अ डिस्काउंट। सो ये है 50 ग्राम की पैकेजिंग में। और ये फॉर नॉर्मल टू ड्राई स्किन है। इसको ऑयली स्किन वाले विंटर्स में यूज़ कर सकते हैं, बट अप्लाई करने से पहले आप ज़रूर इसका पैच टेस्ट लें, मे बी इससे पिंपल्स वगैरह निकल सकते हैं। तो ये क्रीम वैसे तो कॉम्बिनेशन स्किन वाले भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये जो इसका जो टेक्सचर है थोड़ा ऑयली होता है और नाइट को जो सर्दियों के जो दिन होते हैं उसमें जो स्किन है, चाहे ऑयली हो, चाहे ड्राई हो, चाहे कॉम्बिनेशन हो, सभी की स्किन थोड़ी ड्राई आउट हो जाती है। सो उन लोगों के लिए भी ये क्रीम अच्छी होगी। मैं इसका फॉर्मूला आपको दिखा देती हूँ। ये बिल्कुल वाइट टेक्सचर है, ये बिल्कुल वाइट टेक्सचर में है, बहुत ही क्रीमी है। खुशबू इसकी बहुत माइल्ड नहीं है जैसे बायोटिक के मोस्टली प्रोडक्ट में होती है, उसी तरीके की है। सो इस क्रीम को भी आप अप्लाई कर सकते हैं। वैसे ही ड्राई स्किन वालों के लिए बेस्ट क्रीम है बायोटिक की वीट जर्म की। और वीट जर्म जो होते हैं वो स्किन के लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं। वीट मतलब गेहूँ, तो जितने भी इसके वीट जर्म्स होते हैं वो स्किन के लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं। तो ये थी मेरी सेकंड ऑप्शन बायोटिक की नाइट क्रीम। और इसकी भी सेल्फ लाइफ 3 ईयर्स होती है। सो प्राइस वाइज ये 230 rupees की है। नेक्स्ट जो यहाँ पर मैं दिखाने जा रही हूँ आप लोगों के साथ, सबसे सस्ता और सबसे अच्छा, वो है एलोवेरा जेल। ऑयली स्किन वालों के लिए इससे बेस्ट कुछ भी नहीं होता मेरे ख्याल से, बिकॉज मैंने इसको 2 to 3 years यूज़ किया है और बहुत ही अच्छे रिजल्ट आते हैं। चाहे कोई भी कहे कि इसमें ग्रीन कलर की वजह से इसका मतलब इसमें केमिकल से ये है, लेकिन बहुत ही अच्छा एलोवेरा जेल है ये, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इसका करना कुछ नहीं होता है, थोड़ा सा लेना होता है और अपने फेस पर स्प्रेड करना होता है सारे फेस पर, चाहे मॉर्निंग हो चाहे इवनिंग हो। ये हर मौसम में ऑयली स्किन वालों के लिए बहुत बेस्ट होता है। तो थर्ड जो मेरा ऑप्शन था नाइट क्रीम के लिए, मेरा यही ऑप्शन था। इसमें आप बहुत सारे DIY बना सकते हैं। अब नेक्स्ट जो मैं लेकर आ रही हूँ वो है प्लम की नाइट क्रीम, नाइट जेल। और ये ऑयली स्किन वालों के लिए बहुत अच्छी क्रीम है। अगर एलोवेरा जेल नहीं यूज करना चाहते तो आप प्लम की ये नाइट जेल जरूर यूज करें। ये क्रीम जी है, इसमें रिन्यूज क्लैरिटी नाइट जेल है, बैलेंस हाइड्रेशन है, बहुत अच्छी तरीके से हाइड्रेट करता है आपकी स्किन को। और मॉर्निंग में आप देखेंगे आपकी स्किन एकदम सॉफ्ट और सफल हो गई है एकदम से। एक रात में मिरेकल नहीं होगा, आपको कंटिन्यूसली 2 months ये सारी क्रीम्स अप्लाई करनी पड़ेंगी, तभी इनका फर्क नजर आता है। सो यहाँ मैं बात कर रही हूँ प्लम की जो एक क्रीम है, इसकी जो प्राइस है 575 है। मुझे डिस्काउंट में ये आई थिंक 350 के
अप्रोक्सीमेट नहीं थी, मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया था, मैंने एक हॉल भी शेयर किया था, तो अगर वो हॉल नहीं देखा है तो प्लीज जरूर जाकर देखिएगा जरूर। सो ये जो क्रीम है स्किन शेल्फ लाइफ 2 to 3 ईयर्स होती है, ये बिल्कुल क्लियरिटी नाइट जेल है, इसकी पैकेजिंग कुछ इस तरीके की आती है और मैं इसका आपको दिखा देती हूँ टेक्स्चर कैसा है। सो ये है प्लम की नाइट क्रीम, ये एक ग्रे कलर की पिपन है इसकी और ये मैट कलर की पॉलिश है इसकी। सो ये है इसका नाइट जेल, बहुत ही प्यारा सा मतलब इफेक्ट देगा आपकी स्किन में और ये बिल्कुल इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है और मतलब आपको ऐसा फील नहीं होगा कि आपने अपनी स्किन से कुछ लगाया होगा। तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही यूनिक फॉर्मूला है और ऑयली स्किन वालों के बेस्ट है, सारी पिगमेंटेशन हटाएगा आपकी फेस से और जो पिंपल्स हैं उनको भी ये रिड्यूस करेगा, साथ ही जितने भी स्कार्स हैं उनको भी ये रिड्यूस करता है। लेकिन आपको यूज करना पड़ेगा कंटिन्यूसली 3 मंथ, जब भी जाके आपको इसका रिजल्ट मिलेगा, अदरवाइज 1 मंथ होती है या 15 दिन होती है आप लोगों की सोचेंगे कि कोई फायदा नहीं हो रहा है और बेफालतू के पैसे गए इसमें, तो ऐसा नहीं है। किसी भी अगर देखिए एकदम से चोट तो लग जाती है लेकिन उसको ठीक होते होते टाइम लगता है। सो जितनी भी आप नाइट क्रीम वगैरह अगर आप यूज कर रहे हैं तो उनका एकदम से असर नहीं होता है, कि हम लोग इतने टाइम से छोड़े हुए होते हैं और एकदम से अगर स्टार्ट करें सो उनका असर धीरे धीरे होता है। सो ये थी मेरी आज की नाइट क्रीम्स का रिव्यू, ये नाइट क्रीम्स मैं बोल सकती हूँ विंटर्स के लिए और ऑयली स्किन एंड ड्राई स्किन। तो अगर आप लोगों को पसंद आती है इनमें से कोई सी भी क्रीम तो ऑयली स्किन वाले ड्राई स्किन वाले जाकर इनको परचेज कर सकते हैं। ये प्लम का नाइट जेल ये ऑयली स्किन वालों के लिए भी है और ये ड्राई स्किन वालों के लिए भी है, लेकिन ये ऑयली स्किन वालों के लिए द बेस्ट है। ड्राई स्किन वाले भी इसको जरूर यूज करें, बहुत